श्री विष्णु पुराण 22वां अध्याय भगवान विष्णु की विभूति और जगत की व्यवस्था का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में महर्षियों ने जब महाराज प्रभु को राज्य पद पर अभिषिक्त किया तो लोकपिता महर्षि ब्रह्मा जी ने भी क्रम से राज्यों का बंटवारा किया। ब्रह्मा जी ने नक्षत्र ग्रह ब्राह्मण संपूर्ण वनस्पति और यज्ञ तथा तप आदि के राज्य पर चंद्रमा को नियुक्त किया। इसी प्रकार विशर्या के पुत्र कुबेर जी को राजाओं का, वरुण को जलों का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुगणों का अधिपति बनाया गया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुद्गण का तथा प्रह्लाद जी को दैत्य और दानवों का आधिपत्य दिया गया। पुत्रगण के राज्य पद पर धर्मराज यम को अभिषिक्त किया और संपूर्ण गजराजों का स्वामित्व ऐरावत को दिया गया। गरुड़ को पक्षियों का, इंद्र को देवताओं का, उच्चहि शवा को घोड़ों का और वृषभ को गऊओं का अधिपति बनाया गया। प्रभु ब्रह्मा जी ने समस्त मृगों, वन्य पशुओं का राज्य सिंह को दे दिया और सर्पों का स्वामी शेषनाग को बनाया। स्थावरों का स्वामी हिमालय को, मुनिजनों का कपिल देव जी को और नख तथा बाढ़ वाले मृगगण का राजा व्याघ्र बाघ को बनाया तथा प्लक्ष अर्थात पाकर को वनस्पतियों का राजा किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने और जातियों के प्राधान्य की भी व्यवस्था की। इस प्रकार राज्यों का विभाग करने के अनंतर प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने सब और दिक्पालों की स्थापना की। उन्होंने पूर्व दिशा में वैराज प्रजापति के पुत्र राजा सुधन्वा को दिक्पाल पद पर अभिषिक्त किया तथा दक्षिण दिशा में कदम प्रजापति के पुत्र राजा शंख पद की नियुक्ति की। कभी चोट न होने वाले रजस पुत्र महात्मा केतुमान को उन्होंने पश्चिम दिशा में स्थापित किया और प्रजनन प्रजापति के पुत्र अति दुर्धर्ष राजा रणाया रोमा को उत्तर दिशा में अभिषिक्त किया। वे आज तक 7 द्वीप और अनेकों नगरों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी का अपने अपने विभाग अनुसार धर्म पूर्वक पालन करते हैं। हे मुनि सतम, ये तथा अन्य भी जो संपूर्ण राजा लोग हैं, वे सभी विश्व के पालन में प्रवृत्त परमात्मा श्री भगवान विष्णु के विभूति रूप हैं। हे द्विजोतम, जो जो भूताधिपति पहले हो गए हैं और जो जो आगे होंगे, वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश हैं। जो जो भी देवताओं, दैत्य, दानवों और मांस भोजियों के अधिपति हैं, जो जो पशु पक्षियों, मनुष्यों, सर्पों और नागों के अधिनायक हैं, जो जो वृक्षों, पर्वतों और ग्रहों के स्वामी हैं तथा और भी भूत भविष्य एवं वर्तमान कालीन जितने भूतेश्वर हैं, वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे महाप्राज्ञ, सृष्टि के पालन कार्य में प्रवृत्त सर्वेश्वर श्री हरि को छोड़कर और किसी में भी पालन करने की शक्ति नहीं है। रजह और सत्व आदि गुणों के आश्रय से वे सनातन प्रभु ही जगत की रचना के समय रचना करते हैं, स्तुति के समय पालन करते हैं और अंत समय में काल रूप से संहार करते हैं। वे जनार्दन 4 विभाग से सृष्टि के और 4 विभाग से ही स्तुति के समय रहते हैं तथा 4 रूप धारण करके ही अंत में प्रलय करते हैं। एक अंश से वे अव्यक्त स्वरूप ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजापति होते हैं, उनका 3रा अंश काल है और 4था संपूर्ण प्राणी। इस प्रकार वे रजो गुण विशिष्ट होकर 4 प्रकार से सृष्टि के समय स्थित होते हैं। फिर वे पुरुषोत्तम सत्व गुण का आश्रय लेकर जगत की स्थिति करते हैं। उस समय वे एक अंश से विष्णु होकर पालन करते हैं, दूसरे अंश से मनु आदि होते हैं तथा 3रे अंश से काल और 4थे से सर्वभूतों में स्थित होते हैं तथा अंत काल में वे अजन्म भगवान तमोगुण की व्रति का आश्रय ले 1 अंश से रुद्र रूप, 2रे भाग से अग्नि और अंत कादि रूप, 3रे से काल रूप और 4थे से संपूर्ण भूत स्वरूप हो जाते हैं।
हे ब्राह्मण, विनाश करने के लिए उन महात्मा की यह चार प्रकार की सर्वकालिक विभाग कल्पना कही जाती है। ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापति गण, काल तथा समस्त प्राणी, ये श्रीहरि की विभूतियाँ जगत की सृष्टि का कारण है। हे वेद, भगवान विष्णु, मनु आदि काल और समस्त भूत गण, ये जगत की स्थिति के कारण रूप भगवान विष्णु की विभूतियाँ हैं। तथा रुद्र, काल, अंतक आदि और सकल जीव, श्री जनार्दन की ये चार विभूतियाँ प्रलय की कारण रूप है। हे द्वेज, जगत के आदि और मध्य में तथा प्रलय पर्यंत भी ब्रह्मा, मरुचि आदि तथा भिन्न भिन्न जीवों से ही सृष्टि हुआ करती है। सृष्टि के आरंभ में पहले ब्रह्मा जी रचना करते हैं, फिर मरुचि आदि प्रजापति गण और तदंतर समस्त जीव क्षण क्षण में संतान उत्पन्न करते रहते हैं। हे द्विज, काल के बिना भगवान ब्रह्मा, प्रजापति एवं अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि रचना नहीं कर सकते। अतः भगवान काल रूप विष्णु ही सर्वदा सृष्टि के कारण है। हे मैत्रेय जी, इसी प्रकार जगत की स्थिति और प्रलय में भी उन देव देव के चार विभाग बताए जाते हैं। हे द्विज, जिस किसी जीव द्वारा जो कुछ भी रचना की जाती है, उस उत्पन्न हुए जीव की उत्पत्ति में सर्वथा श्री हरि का ही शरीर कारण है। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जो कोई स्थावर जंगम भूतों में से किसी को नष्ट करता है, वह नाश करने वाला भी श्री जनार्दन का अंत कारक रुद्र रूप ही है। इस प्रकार वे जनार्दन देव ही समस्त संसार के रचयिता, पालन करता और संहारक है, तथा वे ही स्वयं जगत रूप भी है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत के समय वे इसी प्रकार तीनों गुणों की प्रेरणा से प्रवृत्त होते हैं, तथापि उनका परम पद महान निर्गुण है। परमात्मा का वह स्वरूप ज्ञानमय, व्यापक, स्वयं विद्य, स्वयं प्रकाश और अनुपम है, तथा वह भी चार प्रकार का ही है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनि, आपने जो भगवान का परम पद कहा, वह चार प्रकार का कैसे है, यह आप मुझे विधि पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, सब वस्तुओं का जो कारण होता है, वही उनका साधन भी होता है, और जिस अपनी अभिमत वस्तु की सिद्धि की जाती है, वही साध्य कहलाती है। मुक्ति की इच्छा वाले योगी जनों के लिए प्राणायाम आदि साधन है, और पर ब्रह्म ही साध्य है, जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। हे मुनि, जो योगी की मुक्ति का कारण है, वह साधना लंबन ज्ञान ही उस ब्रह्म भूत परम पद का प्रथम भेद है। क्लेश बंधन से मुक्त होने के लिए योगाभ्यासी योगी का साध्य रूप जो ब्रह्म है, हे महामुनि, उसका ज्ञान ही आलंबन विज्ञान नामक दूसरा भेद है। इन दोनों साध्य साधनों का अभेद पूर्वक जो अद्वैतमय ज्ञान है, उसी को मैं तीसरा भेद कहता हूँ। और हे महामुनि, उक्त तीनों प्रकार के ज्ञान की विशेषता का निराकरण करने पर अनुभव हुए आत्मस्वरूप के समान ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु का, जो निर्भय, पार, अनिर्वचनीय, व्याप्ति मात्र, अनुपम आत्मबोध स्वरूप, सत्ता मात्र, अलक्षण, शांत, अभय, शुद्ध, भावनातीत और आश्रयहीन रूप है, वह ब्रह्म नामक ज्ञान उनका चौथा भेद है। हे द्विज, जो योगी जन अन्य ज्ञानों का निरोध कर इस चौथे भेद में ही लीन हो जाते हैं, वे इस संसार क्षेत्र के भीतर बीजारोपण रूप कर्म करने में निर्बीज वासना रहित होते हैं, अर्थात वे लोक संग्रह के लिए कर्म भी करते रहते हैं, तो भी उन्हें उन कर्मों का कोई पाप पुण्य रूप फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार का वह निर्मल, नित्य, व्यापक, अक्षय और समस्त है गुणों से रहित विष्णु नामक परम पद है। पुण्य पाप का क्षय और कलेशों की निवृत्ति होने पर जो अत्यंत निर्मल हो जाता है, वही योगी उस पर ब्रह्म का आश्रय लेता है, जहाँ से वह फिर नहीं लौटता। उस ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त दो रूप हैं, जो शर और अक्षर रूप से समस्त प्राणियों में स्थित है।
अक्षर ही वह पर ब्रह्म है और सर्व संपूर्ण जगत है। जिस प्रकार एक देशीय अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैला रहता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत पर ब्रह्म की ही शक्ति है। हे मैत्रेय, अग्नि की निकटता और दूरता के भेद से जिस प्रकार उसके प्रकाश में भी अधिकता और न्यूनता का भेद रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म की शक्ति में भी तारतम्य है। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। उनसे न्यून देवगण हैं तथा उनके अनंतर दक्ष आदि प्रजापति गण हैं। उनसे भी न्यून मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग और सरीसृप आदि हैं तथा उनसे भी अत्यंत न्यून वृक्ष, गुल्म और लता आदि हैं। अतः हे मुनिवर, आविर्भाव अर्थात उत्पन्न होना, तिरोभाव अर्थात छिप जाना, जन्म और नाश आदि विकल्प युक्त भी यह संपूर्ण जगत वास्तव में नित्य और अक्षय ही है। सर्वशक्तिमय भगवान विष्णु ही ब्रह्म के पर स्वरूप तथा मूर्त रूप है, जिनका योगी जन योगारंभ के पूर्व चिंतन करते हैं। हे मुनि, जिनमें मन को समय प्रकार से निरंतर एकाग्र करने वालों को आलंबन युक्त सबीज अर्थात संप्रज्ञात महायोग की प्राप्ति होती है, हे महाभाग, वे सर्व ब्रह्ममय श्री भगवान विष्णु समस्त पराशक्तियों में प्रधान और ब्रह्म के अत्यंत निकटवर्ती मूर्त ब्रह्म स्वरूप है। हे मुनि, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत पौत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और स्वयं वे ही समस्त जगत है। शराशरमय अर्थात कार्य कारण रूप ईश्वर विष्णु ही इस पुरुष प्रकृति में संपूर्ण जगत को अपने आभूषण और आयुध रूप से धारण करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान विष्णु इस संसार को भूषण और आयुध रूप से किस प्रकार धारण करते हैं, यह आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि, जगत का पालन करने वाले अप्रमेय श्री भगवान विष्णु को नमस्कार कर अब मैं जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने मुझसे कहा था वह तुम्हें सुनाता हूँ। इस जगत के निर्लेप तथा निर्गुण और निर्मल आत्मा को अर्थात शुद्ध क्षत्रज्ञ स्वरूप को श्री हरि कौस्तुभ मणि रूप से धारण करते हैं। श्री अनंत ने प्रधान की श्री वत्स रूप से आश्रय लिया है और बुद्धि श्री माधव की गदा रूप से स्थित है। भूतों के कारण तामस अहंकार और इंद्रियों के कारण राजस अहंकार, इन दोनों को वे शंख और शांग धनुष रूप धारण करते हैं। अपने वेग से पवन को भी पराजित करने वाला अत्यंत चंचल सात्विक अहंकार रूप मन श्री भगवान विष्णु के कर कमलों में स्थित चक्र का रूप धारण करता है। हे द्विज, भगवान गदाधर की जो मुक्ता माणिक्य मरकत इंद्रनील और हीरकमय पंच रूपा वैजयंती माला है, वह पंच तन्मात्राओं और पंच भूतों का ही संघात है। जो ज्ञान और कर्ममय इंद्रियां हैं, उन सबको श्री जनार्दन भगवान बाण रूप से धारण करते हैं। भगवान अच्युत जो अत्यंत निर्मल खड़ग धारण करते हैं, वह अविद्यामय कोश से आच्छादित विद्यामय ज्ञान ही है। हे मैत्रेय, इस प्रकार पुरुष प्रधान बुद्धि, अहंकार, पंचभूत, मन, इंद्रियां तथा विद्या और अविद्या सभी श्री हृषिकेश में आश्रित हैं। श्री हरि रूप रहित होकर भी मायामय रूप से प्राणियों के कल्याण के लिए इन सबको अस्त्र और भूषण रूप से धारण करते हैं। इस प्रकार वे कमल नयन परमेश्वर सविकार प्रधान निर्विकार पुरुष तथा संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। जो भी कुछ विद्या अविद्या सत असत तथा अव्यय रूप है, हे मैत्रेय, वह सब सर्वभूतेश्वर श्री मधुसूदन में ही स्थित है। कला काष्ठा निमेश दिन ऋतु अयन और वंश रूप से वे काल स्वरूप निष्पाप अव्यय श्री हरि ही विराजमान है। हे मुनि श्रेष्ठ, भूलोक भूवलोक और स्वलोक तथा महाजन तप और सत्य आदि सात लोक भी सर्वव्यापक भगवान ही है। सभी पूर्वजों के पूर्वज तथा समस्त विद्याओं के आधार श्री हरि ही स्वयं लोकमय स्वरूप से स्थित हैं।
निराकार और सर्वेश्वर श्री अनंत ही भूत स्वरूप होकर देव मनुष्य और पशु आदि नाना रूपों से स्थित हैं। तप यजुः साम और अथर्व वेद इतिहास महाभारत आदि उपवेद आयुर्वेद आदि वेदांत वाक्य समस्त वेदांग मनु आदि कथित समस्त धर्मशास्त्र पुराण आदि सकल शास्त्र आख्यान अनुवाक कल्पसूत्र तथा समस्त काव्य चर्चा और राग रागिनी आदि जो कुछ भी है वे सब शब्द मूर्ति धारी परमात्मा विष्णु का ही शरीर है। इस लोक में अथवा कहीं और भी जितने मूर्त अमूर्त पदार्थ हैं वे सब उन्हीं का शरीर है। मैं तथा यह संपूर्ण जगत जनार्दन श्री हरि का ही है, उनसे भिन्न और कुछ भी कार्य कारण आदि नहीं है। जिसके चित्त में ऐसी भावना है उसे फिर देह जन्य राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप रोग की प्राप्ति नहीं होती। हे द्विज, इस प्रकार तुमसे इस पुराण के पहले अंश का यथावत वर्णन किया। इसका श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, 12 वर्ष तक कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल होता है वह सब मनुष्य को इसके श्रवण मात्र से मिल जाता है। हे मुनि, देव ऋषि गंधर्व पितृ और यक्ष आदि की उत्पत्ति का श्रवण करने वाले पुरुष को वे देवादि वरदायक हो जाती है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 22वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। इस प्रकार श्री पराशर मुनि द्वारा विरचित श्री विष्णु परत्व निर्णायक श्री विष्णु महापुराण का पहला अंश संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।